नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे शो पे। आज हम बात करने वाले हैं कि रिले का टेस्टिंग कैसे करते हैं। तीन वीडियोस मैंने अपलोड किए थे जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि रिलेज का यूज कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, डायग्नोस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी चीज आप इम्प्लीमेंट करते हैं या इम्प्रोवाइज करते हैं या समझो गाड़ी में जो बिठाया हुआ है तो उसको डायग्नोस्टिक कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें खराब होने वाली है और खराब होते ही रहती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है, वो खराब होने वाली है, तो उसको रिप्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसको रिप्लेसमेंट जरूरी है या नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, ये डायग्नोस्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप अगर रैंडमली कोई भी चीज उठा के लेके लगाएंगे, ये निकालो वो लगाओ वो लगाओ वो निकालो, ये सब चीजों में होता क्या है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। दूसरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर रिले खराब नहीं रहेगा और फिर भी आपने परचेस करके लेके आएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है वो कभी लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, ये स्पेयर पार्ट्स कभी खराब हो सकते हैं, इसका भरोसा नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जब रिले खराब होता है या रिले खराब है या नहीं है, उसको कैसे डायग्नोस्टिक किए जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। आज थियरी पार्ट है एज यूजुअल, जैसे कि मैंने कहा, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, और हम थियरी चेक करेंगे। प्रैक्टिकल ऑफकोर्स जब सब क्लियर हो जाएगा तो हम प्रैक्टिकल भी इसका दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रिले इसको कैसे डायग्नोस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखी हुई है। ये जो फिगर है, ये ऑफकोर्स आपका मल्टीमीटर है, ये आपका मल्टीमीटर है, आपके पास हो सकता है डिजिटल है या एनालॉग है। तो इसमें सेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग आपको जो रखना है कंटिन्यूटी पे रखना है। कुछ मल्टीमीटर्स में आपको बीप करके साउंड आएगा, कुछ में साउंड नहीं आएगा, सिर्फ डिफ्लेक्शन आएगा नंबर्स का। उसको दो प्रोब्स रहते हैं ऑफकोर्स, एक रेड रहेगा एक ब्लैक रहेगा। कंटिन्यूटी टेस्टिंग के टाइम पे आपको रेड और ब्लैक से कोई मतलब नहीं रखना है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सेटिंग जो है वो कंटिन्यूटी पे रखना है। ऑफ कोर्स आपको मल्टीमीटर ऑटोमेटिकली ऑन होने वाला है, कुछ मल्टीमीटर्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ रहता है, तो उसको स्विच ऑन कीजिए। उसके बाद रिले जो है, रिले आपको गाड़ी से नहीं निकालना है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह रहती है कि आप ये जो कनेक्शन है जो हार्नेस में गई हुई है, ये आपको कहीं ना कहीं से फॉल्ट, ये जो है ये आपको निकालनी पड़ेगी या ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने जनरल डायग्राम में दिया हुआ है चीज़, तो मैं समझो मेरे हाथ में अगर रिले है, मैं रिले डायग्नोस करना चाहता हूँ, तो बेस्ट वे क्या है, इसको कंटिन्यूटी सेटिंग पर रखिए, फिर इसको दोनों प्रोब्स जो है, ये पावर जो पॉइंट्स रहते हैं रिले के सबसे बड़े वाले यानी कि जाड़े वाले थिक पॉइंट्स जो है, वो दोनों प्रोब्स जो है वो दोनों पॉइंट्स को लगाओ। जो पतले पॉइंट्स रहते हैं रिले के, दो छोटे रहते हैं, उसको स्विच रहेगा और इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिए। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, इसको ऑन ऑफ करना है, ठीक है, जैसे ही आप ऑन करेंगे, अगर रिले अच्छा रहेगा तो इसमें का जो, इसमें जो अंदर पट्टी रहती है, जो लूप पॉइंट रहता है, वो एक दूसरे को अटैच हो जाता है। जैसे ही ये अटैच हो जाएगा, आपके मीटर में डिफ्लेक्शन या बीप साउंड आना चालू हो जाएगा। ये तरीका है समझने का कि अगर आपके मीटर ने बीप साउंड किया तो ऑफकोर्स आपका रिले बहुत अच्छा है। अगर समझो आपके पास मीटर नहीं है तो भी आप रिले चेक कर सकते हैं। उसका दूसरा उपाय ये है, समझो ये हम साइड में रख देते हैं यूनिट। अब ये जो दो पॉइंट है, इसमें आपको बल्ब लगाना है, ये एक एक पॉइंट आ गया इधर। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट जो है वो नेगेटिव को जाने दो, बल्ब है ऑफ कोर्स, तो आपको ये बल्ब होने की वजह से इसको आपको नेगेटिव पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये बल्ब के दो छोर रहेंगे जो ये दोनों पावर पॉइंट्स को लगेंगे। इसमें से मैंने जो है नेगेटिव को इधर मैंने स्विच ऑन किया हुआ है और इसमें बीच में मैंने लोड रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये नेगेटिव ऑन हो जाएगा, जैसे ही मैं स्विच अगर ऑन रखता हूं, स्विच ऑन करने के बाद बैटरी का जो पावर है वो नेगेटिव से फ्लो होके टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा। बीच में लोड है, पॉजिटिव कनेक्ट किया है मैंने बैटरी को। अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ और बल्ब अगर जल गया तो समझ लेना
आपका रिले अच्छा है। अगर ये नहीं जलता है, यानी कि अगर मल्टीमीटर में बीप नहीं होता है, या अगर आपका बल्ब, टेस्टिंग बल्ब जो है, इसको टेस्ट बल्ब बोलते हैं, टेस्ट बल्ब, अगर ये नहीं जला तो समझ लेना आपका रिले खराब है, तो आपको रिले चेंज करवाना है। या तो आपने ये भी देखना है कि रिलेस के जो पॉइंट्स है वो खराब तो नहीं है। तो ये होती है डायग्नोस्टिक का एक तरीका। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो एक टेस्ट बल्ब आप जरूर तैयार कर सकते हैं। हमारे वर्कशॉप में काफी सारे बल्ब जो है स्क्रैप होते रहते हैं, या आप नया ले लो, क्योंकि कोई महंगी चीज नहीं है। छोटा वाला 2.5 एम्पियर या 5 एम्पियर का भी बल्ब अपने, सॉरी 2.5 वाट का आपने अगर बल्ब भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मीटर में बल्ब आते हैं। हमें सिर्फ टेस्ट बल्ब बना है ना, काफी सारे स्क्रैप में से आपको उसका होल्डर भी मिल जाएगा, तो उससे आपको टेस्ट बल्ब आप बना सकते हैं। या तो बाजार में एक स्पेशल टेस्ट बल्ब आता है जो दिखने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा एक पॉइंट रहता है जिसमें अंदर जो है एक बल्ब रहेगा, इसको एक वायर रहती है, छुट्टी वायर रहती है। तो ये चीज जो है, ये टेस्ट बल्ब है, ये टेस्टर है इसका। तो ये डीसी रहता है, 12 वोल्ट पे चलता है। आपको एसी नहीं लेना, यानी कि 220 का जो है वो नहीं लेना है, आपको 12 वोल्ट का लेना है, क्योंकि हमारा बैटरी सिस्टम जो है वो 12 वोल्ट पे चलता है। तो ये भी आपको बाजार में मिल सकता है, अगर ये आप लेते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है आपको, नहीं आपको आपके एरियाज में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लोकेशन पे ये सब चीजें मिलती है, तो आप 100% टेस्ट बल्ब तो यूज बना तो सकते ही है। अगर आपको मल्टीमीटर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप टेस्ट बल्ब यूज कर लेना, और उसमें आप रिले को ये तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये डायग्नोस्टिक जो है वो समझा रहेगा। रिले का ऑलमोस्ट मैंने टॉपिक क्लियर कर लिया है। कुछ अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट में दे सकते हैं, तो अगर कोई आपको और प्रॉब्लम्स है रिलेस का तो मैं आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।